Today we have Sri Ravi Vidyan, the recipient of 2017-18 Distinguished Alumni Award. He also serves as the president of OCL India Limited and has been doing a lot of social work recently. Today we'd like to know him a little bit better through our questions. So the first question I'd like to ask you, what was the role of IIT Delhi in particular in achieving what you have achieved today as such, being the president of OCL India, doing so much social work and doing all the things that you have done in your life? How big was the role of IIT in helping you to achieve that? मैं पर्सनली समझता हूँ IIT का रोल बहुत बढ़िया था, बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ज्वाइन करी थी और जब मैं यहाँ से निकला तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया. फैमिली बिजनेस के अंदर जब क्योंकि मैनेजमेंट में चले जाते हैं तो नथिंग टू डू विद इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो मेरी खास कहीं भी काम नहीं आई. परंतु इंजीनियरिंग स्टडीज़ के अंदर जो आपको एक एनालिटिकल एबिलिटी मिलती है, जब आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जब आप लैब्स में जाते हैं, जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसमें जो एक एनालिटिकल एबिलिटी मिलती है, डेटा को क्वेश्चन करने की एबिलिटी मिलती है, वो एबिलिटी मेरे मैनेजमेंट में काम आई. और मैं समझता हूँ that was a great thing which I learned here. Mm-hmm. So like today many people try to join IIMs after doing IIT, and people like they don't look particularly well at that, ki why did you go to IIT if you had to go to IIM. So what's your take on that? Main nahi samajhta isme koi galat cheez hai, because IIT as an education necessarily technical education nahi hai. ऑफकोर्स टेक्निकल है बट नेसेसरली नहीं है, बिकॉज आदमी को अपनी पढ़ाई पूरी करके कहीं ना कहीं देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है. फिर वो मैनेजमेंट में जाके कंट्रीब्यूट करे, चाहे टेक्नोलॉजी में जाके कंट्रीब्यूट करे, इट डजंट मैटर. लाइक यू टॉक अबाउट लाइक गिविंग बैक टू द नेशन एंड ऑल दैट, सो लाइक यू हेल्प्ड इन इरैडिकेटिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन चिरावा. And like there were so many issues faced by the people of village. First of all, you like many top industrialists like you are not usually aware of the situation that is happening in a very small village like Chirava, but you are aware and you tried to help them. What motivates you to help people, small villagers, which I don't think any other industrialist I have seen doing this at such a big higher post as you? मैंने ultimately बचपन से हमारे संस्कार ऐसे थे, हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को हमेशा यही सिखाया कि सादा जीवन और जितना हम सोसाइटी को दे सकते हैं हमको देना चाहिए. और मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स को देखा करता था कि वो जहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी, मौका मिलता था, कुछ ना कुछ दान करना, कुछ बिल्ड करना, या तो धर्मशाला बिल्ड करना, चाहे मंदिर बिल्ड करना, चाहे और कुछ प्याऊ लगाना, इस तरह की चीज़ें वो हर जगह करते रहते थे. वृंदावन में वेमेन के लिए भी उन्होंने कुछ किया है, तो और काशी में मुक्ति लाभ भवन, तुम लोगों ने नाम सुना होगा शायद, काशी मुक्ति लाभ भवन, ये भी हमारे पेरेंट्स का बनाया हुआ है. तो ये जो संस्कार थे हम पेरेंट्स को देखा करते थे और वहीं से हमको ये संस्कार मिलते रहे. तो ठीक है, एक ये होता है कि एक चिंगारी अंदर में सुलगती रहती है, पर किस समय वो जलने लगेगी. मेरे अंदर वो चिंगारी रियली जलने लगी 2004 में, जब मैंने चढ़ावा के अंदर एक काम करना शुरू किया. और वो भी चिंकारी केवल तब लगी जब एक व्यक्ति ने वहाँ पे कमेंट किया कि चढ़ावा का पानी नीचे चला जा रहा है, यहाँ पे डार्क जोन है. इट वॉज जस्ट ए कैजुअल डिस्कशन, परंतु वो मेरे दिमाग में घर कर गया. और दिमाग में घर करने के बाद वो चिंगारी कहीं ना कहीं सुलगने लग गई. फिर मैंने वहाँ से काम शुरू कर दिया इसके ऊपर. मतलब लाइक आजकल जैसे आईटी में देयर इज एनएसएस इनएक्टर्स, देयर आर मेनी वेज ऑफ लाइक फॉर स्टूडेंट्स टू गेट बैक एट द सोसाइटी, टू गिव बैक टू सोसाइटी, बट दे ऑल आर नॉट वेरी ऑर्गेनाइज, दे आर नॉट ऑलवेज आउट ऑफ योर हार्ट. सो डू यू थिंक हाउ कैन वी मेक पीपल बिलीव इन द आइडियोलॉजी एज यू डू दैट हेल्पिंग इज द वे टू गो फॉर द सोसाइटी इफ इट नीड्स टू प्रोग्रेस? मेरे एनालिसिस में ये है कि आज अगर स्टूडेंट्स एनएसएस या इनएक्टस में कुछ करते हैं
तो शायद इसलिए करते होंगे कि उनको कुछ क्रेडिट्स मिलते होंगे, मेरे को मालूम नहीं. एनएसएस में मिलते हैं, एनएसएस में आउट ऑफ हार्ट करते हैं, एनएक्टस में आउट ऑफ हार्ट करते हैं उसमें, नहीं तो उनको क्रेडिट्स मिलते हैं. नाउ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ क्रेडिट्स लेके काम करना शुरू करो. अगर ये तुमको धीरे धीरे कहीं ना कहीं कोई चिंगारी सुलग जाए तो ये तुम्हारे लिए एक संस्कार बन जाएगा. परंतु ये चिंगारी सुलगना जो है ये सेल्फ मेड संस्कार ही आ सकता है. पेरेंट्स का दिया हुआ संस्कार, स्कूल में गुरुओं का दिया हुआ संस्कार, और अदरवाइज एक सेल्फ मेड संस्कार. और जब तक वो अंदर मन के अंदर वो थॉट प्रोसेस नहीं आएगा, वो विचारधारा नहीं बनेगी, तब तक ये संस्कार डेवलप नहीं हो सकते हैं कि मेरे को कुछ करना है. उस दिन जो मेरा आईआईटी में प्रोग्राम हुआ था 30 अक्टूबर को, तो उस दिन मेरा सारा थीम ही यही था, हमको देश के लिए कुछ करना है. लाइक यूजुअली स्टूडेंट्स, इट इज नॉट लाइक दैट स्टूडेंट डू नॉट वॉन्ट टू डू समथिंग, बट here there is not much opportunities in India, that's why they go to foreign to get better jobs and have better opportunities. There seems to be like lack of avenues by which you can give back to India or society in general. How do you think we can like prevent, like bridge the gap between foreign and India so that people stay here and give back to India instead of going away, or not really out of not doing it, but they do not have any choice? Dekho, sabse badi baat ye hai ki हर व्यक्ति को पहले ये सोचना पड़ेगा कि मेरे को स्वार्थ में जीना है कि मेरे को निस्वार्थ में जीना है. आज हम आईआईटी में घुसते हैं, हम एक फीस देते हैं. आज डायरेक्टर साहब की स्पीच में तुम लोगों ने भी सुना होगा, डायरेक्टर साहब बोले हमारा कलेक्शन होता है 23% ऑफ द एंटायर एक्सपेंसेस. व्हाट डज इट मीन? बच्चे जितनी फीस देते हैं उसके 4 times बच्चों के ऊपर खर्चा होता है. वो खर्चा कौन कर रहा है? देश खर्चा कर रहा है. अगर देश वो खर्चा कर रहा है तो क्या देश के प्रति बच्चों की कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं है? अगर वो उसके मन में रियलाइजेशन है कि देश के प्रति मेरी ये जिम्मेदारी है तो उसको कुछ करना चाहिए. अगर वो कैसे करेगा? वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो अब्रॉड जाऊंगा, वहां पे सेटल हो जाऊंगा, फिर वहां से मैं पैसा भेजता रहूंगा. दैट इज नॉट सर्विस टू द नेशन. सर्विस टू द नेशन इज सिट हियर, ऐड टू द GDP, ऐड टू द संस्कार, ऐड टू द कैरेक्टर बिल्डिंग, ऐड टू द बिल्डिंग ऑफ द नेशन. ये देश के लिए काम करना होता है. तो उसके मन में ये जागृति आनी पड़ेगी. सबसे पहले उसको सोचना पड़ेगा मैं स्वार्थ हूं या मैं निस्वार्थ हूं. जब तक ये जागृति नहीं आएगी तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता. तब तक वो केवल अपने लिए सोचेगा. Now talking a bit about your IT life, as you talked about that you were in Nilgiri hostel and you were the house secretary, so like how were elections those days, or how was the way, like how were the duties of the house sec in general? What was your job in, like, asked to, like, it is very different today what the house secretary does. What did you do as a house secretary in a hostel? Basically house secretary ka hamara sara purpose hua karta tha ki agar koi bhi hostel mein takleef ho to hamari zimmedari hai ki wo takleef warden se baat karke, kyunki ultimately jo karna hai wo warden ko karna hai, warden se baat karke us takleef ko dur kiya jaye. अगर मेस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, फूड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो मेस मैनेजर जो है उनसे बात करके उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए. बेसिकली ये हमारी एक जिम्मेदारी थी. उसके अलावा जो साफ सफाई वगैरह होती थी, सब कुछ होता था, देर वर नो कंप्लेंट्स, तो इसलिए उस तरफ कोई तकलीफ नहीं हुआ करती थी. नथिंग टू वरी अबाउट. तो ठीक है, इट वॉज नॉट ए वेरी डिफिकल्ट जॉब, इट डिड नॉट कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, बट येस वी हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी. And like coming to your hostel life, like what were the most fun moment of your hostel life? Ragging. Exactly. So you should clarify what kind of ragging. Exactly, कैसी ragging मतलब? जो हम लोग बात कर रहे थे वैसी. नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा. मैं समझता हूँ ये जो ragging बंद की गई है, ये बंद नहीं होनी चाहिए. ये freshers की ragging ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि हम लोगों की जो भी ragging हुई उसके बाद से, जैसे हमारे जब नीलगिरी हॉस्टल की बात करते हैं तो उस समय पीजी हॉस्टल्स अलग हुआ करते थे. तो फर्स्ट ईयर टू फिफ्थ ईयर
सारे के सारे स्टूडेंट्स एक ही हॉस्टल में हुआ करते थे. नाउ एक ही हॉस्टल में होने के कारण आपकी दोस्ती फर्स्ट ईयर से फिफ्थ ईयर तक पूरी हो जाया करती थी. जिनसे आपकी दोस्ती बनती थी, आपकी अच्छी दोस्ती हो जाया करती थी. आज मैंने सुना है, मुझे मालूम नहीं है सच है कि नहीं है, कि क्योंकि रैगिंग नहीं होती है तो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी आपस में ही दोस्ती रहती है. वही हो जाता है जैसे लाइक द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हु आर नॉट ओपन, तो उनकी आपस में दोस्ती रहती है, बट द वन हु आर ओपन उनकी दोस्ती अक्रॉस होती है. सर जैसे अभी के टाइम में देयर अदर मेथड जिससे इंटर ईयर फ्रेंडशिप होती है, हॉस्टल में बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज रहते हैं जिसमें सीनियर्स जूनियर्स को इन्वॉल्व करते हैं, इनफैक्ट सिखाते हैं, तो अभी थोड़ा वो वाला मीडियम है रिलेशनशिप का. बट आई एग्री कि जो जिस तरह की रैगिंग आपके ईयर में होती थी काफ़ी फ्रेंडली एंड ओपन, नॉट वेरी रिगरस, दैट कैन बी इन्वॉल्व. बट सर अगेन स्टूडेंट्स टेक इट फार मोर, मतलब देयर इज नो, वो नहीं जाना चाहिए. दैट आई कम्प्लीटली एग्री. दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे ज़माने में रैगिंग हुआ करती थी कहीं कहीं एक्सट्रीम हो जाया करती थी, एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. दैट इवन एट दैट टाइम वी नेवर एक्सेप्टेड इट, कि ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए. परंतु आईआईटी में जितनी भी रैगिंग हुई यहाँ पे डिसेंट, ठीक है लिटिल इनडिसेंट, बट देन आई विल से ओनली लिटिल इनडिसेंट, इससे ज़्यादा इस तरह की रैगिंग नहीं हुई. बट वी बिकेम वेरी फ्रेंडली. आज मेरे को एक कल्चर अच्छा नहीं लगता है, जैसे सारे जूनियर स्टूडेंट्स जो हैं वो सीनियर्स को सर कह के बुलाते हैं. आई थिंक इट्स प्रीटी रॉन्ग. क्यों सर कह के बुलाते हैं यार, आपस में दोस्त हो, किस बात की सर है यार. जस्ट बिकॉज वो तुमसे दो साल या तीन साल या एक साल सीनियर है, ही बिकम्स अ सर. व्हाई? सर कहते ही देर इज अ डिस्टेंस, देर इज अ वॉल बिटवीन, और जहां पे सर खत्म हुआ और फर्स्ट नेम से बुलाना शुरू किया, यू बिकम फ्रेंड्स. राइट. सो मतलब सबसे फेवरेट मोमेंट क्या था, लाइक सबसे मजा कौन सी रैगिंग में आपको आई? अगर आप रैगिंग की बात करते हो बेटा, देन देयर इज अ गाय कॉल्ड राजन रॉय. आई थिंक द वे ही रैग अस एंड इंक्लूडिंग मी, टॉप क्लास. एंटायर क्राउड एंजॉयड एंड वी एंजॉयड एज गेटिंग रैग, टॉप क्लास. मैं अभी भी जानता हूँ, एक घंटे रैगिंग हुई थी हमारी, एंड एक घंटे हमको पता ही नहीं चला गया कहाँ. इट वॉज सो गुड, सो एंजॉयबल, इट वॉज टू गुड. सर आई हैव वन क्वेश्चन, जो आपने अभी बात करी कि बच्चों को जीडीपी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, तो जैसे अभी आजकल हम लोग जो भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके आगे पढ़ने के प्लान्स हैं, तो कुछ बच्चों का ये रहता है, और प्रोफेसर्स भी सजेस्ट करते हैं कि यू शुड गो आउट ऑफ द कंट्री एंड टेक एजुकेशन, एंड दे से यू हैव टू कम बैक. बट बच्चे साइकिल में फंस जाते हैं, जो बाहर जाते हैं वो एजुकेशन लोन्स लेके जाते हैं. अब उस एजुकेशन लोन को लेने के लिए उन्हें वहाँ जॉब करनी पड़ती है, मतलब 2-3 साल, और फिर उसके बाद जब वो इंडिया वापस आते हैं तो यहाँ पे उन्हें पैकेजेस कम देखते हैं. सर इस पे आपका क्या व्यू है? इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे जो वापस आना भी चाहते हैं वो वहीं रह जाते हैं, और उनको वहाँ की लाइफ की आदत हो जाती है, जो भी होता है, तो इस पे आपके क्या व्यूज हैं? देखो मेरा सिंपल व्यू है, आई एक्सेप्ट द पॉइंट कि एजुकेशन लोन्स को रिटर्न करना ज़रूरी होता है, उसके लिए एक बार इनकम चाहिए, एंड वहाँ पे अगर आप 2-3 साल काम करो और उसकी वजह केवल उसकी उस प्रेशर की वजह से करो कि एजुकेशन लोन चुकाना है, प्रोबेबली एक्सेप्टेबल है. परंतु अल्टीमेटली वहाँ का जो या तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कह लो या पैकेज कह लो, वो जो एक लालच है, उस लालच को हमको निकालना पड़ेगा. हम मेरे हिसाब से हमारे पास चॉइस नहीं है, परंतु वो चॉइस उस स्टूडेंट को लेनी पड़ेगी कि मेरे को बेटर पैकेज लेके यहाँ रहना है या मुझे मेरी देश की सेवा करनी है. मैं एक जानता हूँ, अपने IIT का ही बंदा है, चढ़ावा का लड़का है, वो चला गया था, ही डिड हिज PhD इन केमिस्ट्री, यहाँ से उसने PhD इन केमिस्ट्री किया था, और यहाँ से वो अमेरिका चला गया था रिसर्च करने और टीचिंग लाइन में, और साल भर बाद वहाँ से वो वापस आ गया. बोले कि मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे, कुछ भी हो जाए मेरा पैकेज यहाँ बेटर है, मेरी कंडीशंस ऑफ सर्विस वहाँ बेटर हैं, परंतु फिर भी मेरे को जाना मेरे देश में है, मुझे जो करना है मेरे देश में करना है, वहाँ की डिफ़िकल्टीज मुझे फेस करनी है, वहाँ की हर चीज़ मुझे फेस करनी है, लेकिन मुझे रहना मेरे देश में. Now, मैं समझता हूँ ही डिड अ वंडरफुल जॉब, उसने अपने देश के बारे में सोचा, और यही मैं सबको एडवाइस करूँगा, भैया पहले अपने देश के बारे में सोचो, बाद में अपने बारे में सोचो. ये तो पर्सन अगर जैसे सोचे वही करता है, यू कैन नॉट चेंज अ पर्सन. मैं सबको सबसे ये बोला करता हूँ,
यार देर आर पीपल फाइटिंग इन द बॉर्डर. कौन है वो, उनके मन में क्या है? वो तो जान अपनी दे देते हैं देश के लिए. उनको पैकेज मिलता है, ठीक है, उनको बाद में बहुत अच्छी पेंशन भी मिलती है, ठीक है, परंतु उनका परिवार तो, हस्बैंड तो चला गया, बाप तो चला गया, कुछ भी हो जाए पैसा क्या क्या करेंगे, बट वो देश के लिए लड़ मरते हैं. क्या हम ये बोलते हैं कि देश केवल उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है? हमको कुछ नहीं करना है हमारे देश के लिए, करना है. That's it. जैसे कि आप, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जैसे भी आप चॉइसेस की बात कर रहे थे, तो आपने स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में बताया, आपके और हर किसी की लाइफ में चाहे जल्दी हो या बाद में हो, कुछ ऐसी चॉइसेस आती हैं विच आर वेरी डिफिकल्ट टू मेक, कि समझ नहीं आता क्या करें. तो आपकी लाइफ में कभी एक ऐसा मोमेंट आया कि आप दो तीन चॉइसेस में बहुत कन्फ्यूज थे, और उस मोमेंट में आपने कैसे ओवरकम किया? मेरे पास दो बार ऐसा मोमेंट आया. पहला मोमेंट आया जब मैं IIT से निकल रहा था. पता नहीं मेरे दिमाग में क्या फितूर आ गया, मुझे फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं करना, मुझे जॉब करना है. और मैंने इंटरव्यूज भी दिए, इन मिजरेबल फेलियर, मुझे कहीं जॉब नहीं मिली. तो मरता क्या ना करता, फैमिली बिजनेस में चला गया. सो दैट वॉज वन मोमेंट विच आई हैड. सेकेंड मोमेंट वॉज जब मेरे सबसे बड़े ब्रदर ने मुझे कहा कि अब चिड़ावा का जो सब काम है वो उनके अंडर में था. उन्होंने कहा मेरे बस का नहीं है, मेरी उम्र हो गई है, अब चिड़ावा का काम तुमको संभालना है. एंड दैट वॉज वन मोमेंट आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, यार कौन भेज दिया मेरे को, कौन सा काम पकड़ा दिया. बट बड़े ने कहा है जाना है. परंतु वहाँ जाने के बाद जो मेरे मन में एक चेंजेस आए कि ये मेरी मातृभूमि है, यहाँ मेरे पितरों का घर है, और मेरे पितरों के लिए मुझे वापस, उन्होंने हमको इतना कुछ दिया है, आज मैं जो हूँ उनकी वजह से हूँ, एंड देयरफॉर मुझे उनको वापस कुछ देना है, ये मेरे मन में एक बहुत बड़ा चेंज आया. क्या आप लाइक अगर इफ यू कुड गो बैक इन टाइम, क्या आप कोई भी डिसीजन चेंज करना चाहेंगे, पहला वाला बिजनेस ज्वाइन कर लिया? प्रोबब्ली नॉट. और जैसे आपने बताया लाइक यू बिलोंग टू अ वेरी एफ्लुएंट फैमिली, सो वॉज इट डिफिकल्ट टू चेंज फ्रॉम लिविंग विद फैमिली, कमिंग टू हॉस्टल, लिविंग इन स्मॉलर रूम्स विद सो मेनी पीपल अराउंड, लाइक चेंज कैसा था? हाउ डिफिकल्ट वॉज इट टू एडजस्ट? नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, लव टू. ओके, इसका कारण ये है कि हमारे पेरेंट्स ने शुरू से हमको ये संस्कार दिए कि अपना काम अपने आप करना है. हम लोगों ने, ठीक है, ऐसा नहीं था कि घर में नौकर नहीं थे और वो घर नौकर कोई काम नहीं करते थे, करते थे, परंतु फिर भी वीकेंड के ऊपर अपने कपड़े अपने आप धोने हैं, वीकेंड के ऊपर अपने जूते अपने आप पॉलिश करने हैं, दिस काइंड ऑफ स्टफ जब था. प्लस हम सारे भाई एक कमरे में सोया करते थे. ऐसा नहीं था कि हर भाई के पास एक कमरा था, इवन दो हम लोग बड़े बड़े हो गए थे, तो दैट वॉज लाइक डॉर्मेट्री. तो वो हमारी शुरू से एक आदत बनी हुई थी कि हमको एक एफ्लुएंट फैमिली में होने के बाद भी, मेरे पिताजी हमेशा ये बोला करते थे, जब तक तुम कमाओ नहीं तुमको खर्च करने का अधिकार नहीं है. और वो जिंदगी भर उन्होंने हम लोगों से करवाया. हम ट्रेवल भी किए, तुम थर्ड क्लास में ट्रेवल किए, वी नेवर ट्रेवल बाय एयर स्टूडेंट लाइफ. हम हमेशा थर्ड क्लास में ट्रेवल किए, एक्सेप्ट व्हेन इट वाज नीडेड, तब सेपरेट, अदरवाइज हम लोग हमेशा थर्ड क्लास में ट्रेवल किए. थर्ड क्लास मीन्स टुडे सेकंड क्लास. वो भी उस समय क्या, तो लकड़ी के फट्टे हुआ करते थे, देयर वाज नो गद्दा. आजकल तो सेकंड क्लास में गद्दे हैं, थर्ड क्लास में गद्दे, थर्ड सेकंड एक ही हो गया. थर्ड एसी तो था ही नहीं, एसी वाज ओनली वन, फर्स्ट क्लास एसी. अच्छा, देयर वाज नो एसी, देयर वाज नो थर्ड एसी, सेकंड एसी, नथिंग लाइक दैट. वो थर्ड क्लास फट्टा, गर्मी तो गर्मी, सर्दी तो सर्दी, बैड लक. और हम लोग उसमें ही ट्रेवल किया करते थे, बिकॉज द होल कंसेप्ट वॉज यू हैव नो राइट टू स्पेंड मनी बिकॉज यू डोंट अर्न इट. जैसे आप कितने लाइक इतने स्ट्रॉन्ग एथिक्स और वैल्यूज हैं, इतने आप लाइक यू नो व्हाट टू डू एंड यू हैव द मोरल वैल्यू टू लाइक रिटर्न टू सोसाइटी, आपने चढ़ावा में काम किया, सो व्हाट डू यू वांट टू से टू द प्रेजेंट पीपल स्टडिंग इन IIT एंड IIT, द प्रेजेंट IITians हु आर ग्रेजुएटिंग एंड maybe who are in first year, who are maybe upcoming, what is your message to them? मैं बेटा केवल एक ही मैसेज दूंगा, जो वहाँ भी मैंने बोला और मेरी साइटेशन में भी वो है, कि सब के मन में ये विचार होना चाहिए कि मेरे को मेरे देश को बिल्ड करना है. और मेरे देश का बिल्डिंग GDP नहीं है, मेरे देश का बिल्डिंग है मेरे देश का कैरेक्टर.
और मेरे देश का कैरेक्टर अगर हमको डेवलप करना होगा तो वो स्वार्थ भाव से नहीं होगा, वो निस्वार्थ भाव से होगा। हमारे विचार अच्छे होने पड़ेंगे। मैं एक मैसेज जब मैं बच्चों से बात करता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो मैं एक मैसेज देता हूँ, शुभ। शुभ मीन्स शुभ विचार, शुभ कर्म, शुभ लाभ। जब हम ये शुभ की बात करेंगे, हमारे में मन में कभी गलत विचार आ ही नहीं सकते, हम कभी गलत काम कर ही नहीं सकते, हम हमेशा न्याय से काम करेंगे, हम कभी इनजस्टिस का काम कर ही नहीं सकते। इसीलिए मेरा, जब मैं बच्चों से बात करता हूँ, मेरा स्लोगन रहता है न्याय, स्वधर्म, राष्ट्र। और यही हमको सब स्टूडेंट्स को सीखना होगा। इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू मिस्टर डालमिया, थैंक यू फॉर योर टाइम, इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।